अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी एथम अमेरिकी सरकार को $16 मिलियन यानी 117 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना देगी। कंपनी पर आरोप है कि उसके करीब 7.9 करोड़ ग्राहकों का डेटा चोरी हो गया था। इस डेटा में लोगों के नाम, बर्थ डेट्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर और मेडिकल आईडी से जुड़ी जानकारियां थी। कंपनी में हुई डेटा चोरी का खुलासा 2015 के एक साइबर अटैक के बाद हुआ। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की ओर से जुर्माना स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग को सौंपी जाएगी। इंडियाना पॉलिसी की कंपनी एथम न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर करती है। वहीं कंपनी ने सोमवार को बयान दिया कि उन्हें किसी भी तरह के फ्रॉड या डेटा चोरी के बारे में जानकारी नहीं थी। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि वो किसी तरह की दिक्कत से बचने के लिए अपने सभी ग्राहकों के क्रेडिट मॉनिटरिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट इंश्योरेंस भी देते हैं। एंथम अपने सभी ग्राहकों की जानकारी की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। कंपनी का कहना है कि हम इस मामले में सरकार के साथ मिलकर समाधान ढूंढ रहे हैं। 2015 की शुरुआत में एंथम को डेटा चोरी की जानकारी मिली थी, लेकिन हैकर्स कई हफ्तों से कंपनी के सर्वर में सेंध लगा रहे थे।